Hello students, I hope all of you are well. So I am going to start your next exercise 13.5 optional. In previous lecture we done the exercise 13.4 is based on a frustum of a cone which is not in your syllabus. Now it is ducted part. So I am going to start with the next exercise 13.5 optional. The first one is a copper wire 3 mm in dia is wound about a cylinder whose length is 12 cm and the dia is 10 cm. So as it covers the covered surface area of the cylinder, find the length of and the mass of the wire, assuming the density of the copper is 8.8 per gram centimeter cube. So we have to find first the length. पहला आप देखेंगे first of all इसी के किन्ने जिहड़ी वायर है उसने किन्ने उस दे राउंड लगाए ने. देखो सिलेंडरिकल इस तरह सपोज इस तरह है साढ़े कोल दिता हो आले दुआले इसने इस तरह आप 3 mm की वायर इस तरह आले दुआले इस लपेट रहे हैं. It's just like it. ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਾਉਂਡਸ ਬਾਏ ਵਾਇਰ. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਪਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ 3 mm ਹੈ. 3 mm means 3 by 10 cm. So it is 3 into 10. So it means 40 round लगाए गए उसने. एक round चोने कितनी length cover करी है? It is equal to perimeter of the circle. Perimeter of the circle कितना है? 2 by r. So length of wire it is 2 पाई में तो 3.14 ले रहे. रेडियस इज 5 × 40. तो ये साडे कोल आ जाऊगा 10 सेंटीमीटर. उस तो बाद साडे कोल असी कढ़नी है मास ऑफ द वायर. It is 8.8 × 1256 gram. And multiply कर लो. Approximately तो डायरेक्ट आ जाएगा 11.153 kg के करीब. उस तो बाद साढ़े को है मैं गलत ले रहा सी तो लेंथ आई सारे को तो मास कटा लिए सी कटा के वॉल्यूम ऑफ वायर जेड़ा है वॉल्यूम ऑफ वायर वायर्स तो के सारे को सिलेंड्रिकल होंगे पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई इज 3.14 रेडियस is 3/20 × its length 1256. हम अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं. देन वी कैलकुलेट द वेट या मास. ऑफ द वायर उन्हें इसको 8.8 नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो
ये साढ़े को कोन दिती हुई है। मैं तुम्हें थोड़ा जहा दसदा भी की एक्चुअल की है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कोन है, राइट एंगल देता है एक्चुअल ए जिहड़ा साडे कोले दित्ती हुई है साइड एक दित्ती हुई है 3 सेंटीमीटर, एक दित्ती हुई है 4 सेंटीमीटर। H1 है, समझ लो क्वेश्चन की है। कोण तो साडे कोले सिर्फ इतनी हुई है। हुण जेकर कोण नूं तुसीं आ हाइपोटेन्यूज समझो, इस दा राइट एंगल इत्थों दित्ती हुई है, जेकर हाइपोटेन्यूज तों दोनों पकड़ के इस तरह इहनूं किसे आपां स्पिनर ते लगा दईए इस तरह, उस तों बाद इहनूं रोटेट कराईए घुमाईए तां सानूं देखण नूं इह इस तरह दी कोण लगूगी, डबल कोण। तां उह इस दी गल कर रहे वी डबल कोण दा वॉल्यूम किन्ना होएगा, दैन वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सब तो पहला तो अपने को जी मेन ये प्रॉब्लम हैगी है वो हैगी है रेडियस की, सामने रेडियस कैलकुलेट करना है। मैं इतने थोड़ी जी लेबलिंग कर रहा हूँ, हाँ ओ पॉइंट है। हम ध्यान देखो तुम जी आ ट्रैंगल है, ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रैंगल जी ए बी सी है साढ़े को सिमिलर टू ट्रैंगल आऊगी ओ बी ए। ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर ने, सिमिलर टू ट्रैंगल ओ बी ए। हमने एक तो कॉमन है, एक 90 डिग्री एंगल है, सिमिलर ने तो इन्हों कोरसपोंडिंग साइड्स आपने लेनिया ने। तो वो तो पहले आप थोड़ा जहा काम कर सकते हैं, जो आप ट्रैंगल लीए ट्रेंगल है इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल जो बी ए सी है 90 डिग्री है, तो साढ़े को जो बी सी है क्लीयर है भी इस तरह आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बी सी भी साढ़े को टोटल जी 5 आ गई। तो जोड़ा एच वन प्लस एच टू जी दोनों की जी हाइट आ 5 सेंटीमीटर आह एच तो एच टू आ दोनों की हाइट जी 5 सेंटीमीटर आ गई। दोनों सिमिलर ने तो इन्होंने कोरसपोंडिंग साइड जो असं लवेंगे ए बी ओवर, क्योंकि ए बी का वैसे रहने का साडा फायदा नहीं है, ए अस ले लिए जी ए सी, ए सी ओवर ओ ए, ओ ए की है साडा रेडियस एक्चुअली, इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। ठीक है जी, तो ए सी साढ़े को हैगी है 4, ओ ए असी रेडियस है ये असी कटना है, बी सी साढ़े को 5 है, ए बी साढ़े को 3 है। इतों साढ़े को जी आर है वो 12 है ओवर 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ईच कोण। उस तो बाद असं कटांगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन 1/3 pi आर स्क्वायर एच वन प्लस 1/3 pi आर स्क्वायर एच टू। 1/3 जो पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेना, अंदर बच गया एच वन प्लस एच टू। मैं तो वैल्यू अपनी मर्जी ना उन्हें क्या भी अप्रोप्रिएट, चाहे तुम 22/7 भरो या 3.14 जो तुम्हें ठीक लगता भर सकते हो, दोनों अलग अलग भी भर सकते हो, दोनों का मतलब भी वॉल्यूम से सरफेस एरिया से।
हम इतने अपने को थ्री पॉइंट वो फोर्टीन भर दी रेडियस साढ़े को है 12 ओवर 5 वैसे आप 3.14 ही रहे ओवर 5 इंटू ये एच वन प्लस एच टू आप पहले इतने कट चुके हैं 5 सेंटीमीटर की ठीक है ओके कितना होगा ओके ये साढ़े बड़े है सॉल्व कर लो कि नाम जरा सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30.14 के करीब आता सेंटीमीटर क्यूब उस तो बाद कटा के सर्फिस एरिया सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन का साढ़े को कि आता है क्योंकि यदि देखो आ एक कोण है छोटी एक कोण आ है दो कोण ने इन्हों की एल जी है एक दी थ्री है एक दी फोर है तो वन ओवर साढ़े को कोण का जो सरफेस एरिया होगा पाई आर एल पाई आर एल वन प्लस पाई आर एल पाई आर के कॉमन ले लिए तो एल वन प्लस एल पाई आप 22/7 ले रहे हैं रेडियस रेडियस साढ़े को 12.5 है हाइट जी आ गई है एल वन प्लस एल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर 7 कट गया साढ़े को यह आ गया 12 × 24 = 26 × 5 उस तो बाद साढ़े कोले नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड असिस्टेंट इंटरनली मेजरिंग मेजरमेंट दी हुई है ये पानी भी दिता है कि वॉल्यूम ए कहना ब्रिक्स पाई ने अपने जो पोर्स वाली अपने घर आप यूज करते मिट्टी वाली तो वो जरा अपना पानी पीदिया ने 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम जिन्ना का आपका वॉल्यूम है वो 1/17 पानी पी जाने ने तो कहना दसो कि ब्रिक्स पाइए भी जोड़ा सिस्टम है वह पूरा ब्रिम तक फिल हो जाए तो पहला तो असं देखा भी जो सा सिस्टम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर किन्ना है ठीक है जी फिर उस तो बाद पानी किन्ना है तो फिर बाकी खाली रह गया तो खाली में भरने वास्ते सू कि किन्ना वॉल्यूम पाना होगा तो सब तो पहला असं देखा वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वॉल्यूम ऑफ सिस्टम साढ़े को कितना है 150 × 120 × 110 कितना आ गया जी है साढ़े को 1980 पानी तो रिमेनिंग
remaining volume of water in system. So it is 198000 minus 129600. So it is 185000 centimeter. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर सानू चाहिए हम रिक्वायर्ड है यानी इतना बनाना है। पहला से देखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का कितना वॉल्यूम है 22.5 × 7.5 × 6.5 सेंटीमीटर क्यूब। उस तो बाद से कटेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जर्व यानी क्या भी 1/17 ऑब्जर्व बाय अ ब्रिक इना 1/17 22.5 × 7.5 × 6.5/17 तो इना मतलब कितना वाटर लेवल राइज करूंगा। So, water level rise by a brick. एक जड़ी इट है वो कितना वॉल्यूम वाटर राइज करूगी इन्ना तो इन्हें वॉल्यूम पानी का पी लिया बाकी रहते जो मैं माइनस करांगे तो साढ़े को आह बचूगा 16/17 × 22.5 × 7.5 × 6.5 cm इन्ना बचूगा साढ़े को। तो असि कटा नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड किनिया रिक्वायर्ड ने साडे कोले ब्रिक्स किन्ना पानी असि ऊपर लेके जाना है इन्ना पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जेड़ा अपने राइज कराना है तो ए साडे कोले आ गया 185000 × 17 कर लो ओवर 16 × 22/5 × 7.5 × 6.5 1792 आऊगा पूरी ब्रिक्स लेनी किनिया ब्रिक्स क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे ना कि उन्हें पॉइंटा दे विच पूछे पॉइंटा दे विच नहीं आप कर दे कैटेगरी ठीक है जी। ओवरफ्लो नहीं करना अपने ब्रिम तक भरना ही उसको क्योंकि जे असी पूरी ईट पा दी जे मान लो 93 पा दी तो पानी फ्लो कर जाना बाहर ठीक है जी। तो उस तो बाद साडे कोले नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1/4 night ऑफ अ गिवन मंथ देयर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 10 cm इन अ रिवर वैली इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 17280 km² शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर इन 3 रिवर्स जिन्हों की मेजरमेंट दी हुई है ऑलरेडी अपने को। आप सब तो पहले तो कटा के कि पानी जोड़ा है जो मीह है वह कि पे है वह वॉल्यूम कि इतने साढ़े को एरिया ऑफ वैली दिता हुआ फोर्थ क्वेश्चन है थोड़ा एरिया ऑफ वैली इट इज 17280 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है जी किलोमीटर स्क्वायर को
उस तो बाद साढ़े को है रेनफॉल, रेनफॉल इन वैली इट इज 10 सेंटीमीटर, मीटर च बना लिए यानी कि 1/10 मीटर। तो असं कटांगे दा टोटल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर, रेनफॉल वाटर क्योंकि साढ़े को किलोमीटर च है तो तुम मीटर च बनावे तो एवं बनूगा, तो क्योंकि स्केयर है तो इस करके 3 जीरो हो लगनगे ये असं लगावे 1/10, 1 जीरो समझ लो घट गए इन मीटर की हो गया 1 7 2 8 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स इन्होंने को साढ़े को 3 रिवर्स ने, एक की लैंथ दी है 1072 क्योंकि इन मेन किलोमीटर च है तो मैं मीटर च बना लिया 75 × 3 तो आ गया 7236 00 अप्रोक्सीमेटली बराबर है उसके, उन्हें क्या भी तकरीबन बराबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है साढ़े को, ऑलरेडी देखो फिगर गिवन है तो उपर तो वैसे ही फ्रस्टम ऑफ कोन बन रहा है हूँ क्योंकि तुम क्वेश्चन नंबर 5 के जो फ्रस्टम ऑफ कोन का पार्ट है वह कट चुके हैं, तो मेरा ख्याल है भी अपन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम थोड़ा पार्ट ही है नहीं है। तो दूसरा साढ़े को क्वेश्चन नंबर 6 ते 7 जोड़े ने डेरीवेशन ने, तो वह डेरीवेशन भी आप नहीं करने, आपां जिहड़ा साडे कोले इहदा पार्ट है एक तरह नाल इह फिनिश है साडे कोले, पर फिर भी जे मान लो तुहानूं क्वेश्चन नंबर 5 करन दी लोड़ भी पवे जां क्योंकि टोटली बेस्ड ही फ्रस्टम ऑफ कोन नाल है तां फ्रस्टम ऑफ कोन दे फार्मूले लगणगे। तां हुण बस अपना इह काम इत्थे फिनिश है, ते इक मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस्सदा मेरे कोले क्वेरी आई सी स्टूडेंट्स दी वी जिहड़ी 13.1 एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन है वह आंसर सर जो तुम कैलकुलेट कर जाओ उस गलत है। एक्चुअली जो जे स्टूडेंट ने भी कर उसने कहा भी जी रीचैकिंग तो सूँ पता लगे भी जी उ कैलकुलेशन है क्यों मिसटेक हुई है, उत्थे जी रेडियस है जोड़ा रेडियस की थान पर मैं 13 वैल्यू भरती जबकि टोटल हाइट से रेडियस 7 सेंटीमीटर से, तो 13 की थान पर 7 सेंटीमीटर आना से, जो तुम पुट करोगे तो आंसर जोड़ा है वो करैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा फिनिश हो गया, ओके।